हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, ग्रुप डी का पोर्टल शुरू होने वाला है 5 जून से। जिन्होंने 10th पास कर रखी है वे लोग अपना आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और 13,500 वैकेंसी है। अगस्त सितंबर में इस भर्ती का एग्जाम होने वाला है, एग्जाम में बैठ सकते हैं और एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप नौकरी लग सकते हैं। इसके साथ ही ये फॉर्म पहले भी भरे गए थे, आज से 2 या 3 साल पहले भी ये फॉर्म निकले थे, आप लोगों ने भरे थे। आप में से कुछ साथी ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, तो उन्हें सभी को दोबारा से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने एक नोटिस निकाला है स्पेशल लोगों के लिए। यदि आप उस स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो आपको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा। यदि आप जानना चाहते हैं क्या मामला है और कौन वे लोग हैं जिन्हें ये फॉर्म भरना जरूरी है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप ग्रुप डी एग्जाम के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल जो नया पैटर्न है एचएसएससी ने दिया है उसी पैटर्न के बेस पे हमारा बैच स्टार्ट हो गया है। 15 तारीख से स्टार्ट हुआ है, अभी 5-5, 7-7 क्लास हुई है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर भी उपलब्ध है और यूट्यूब के ऊपर भी डेमो उपलब्ध है, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा पैटर्न बताया है, जैसा सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करवाई जाएगी। इस बैच के अंदर थ्योरी भी है, एमसीक्यू भी है। कुछ बच्चों के कमेंट होते हैं कि क्या हम लाइव क्लास अटेंड ना कर पाए तो बाद में देख सकते हैं उसको। बिल्कुल आप देख सकते हो। और अभी ऐप में नया फंक्शन आ गया है, तो आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहीं ऑफिस से या आप कहीं से भी नेट से वीडियो डाउनलोड करके ले आओ और घर पे आप बिना नेट भी आप उस वीडियो को प्ले कर पाओगे। ठीक है, तो ये नोटिस यहाँ पे पब्लिक नोटिस के सेक्शन में अवेलेबल है, मैंने डाउनलोड कर लिया है। और ये जो स्पेशल लोग हैं ये है दोस्तों EWS वाले बच्चे, जिन्होंने EWS से अप्लाई कर रखा है पहले और वो EWS का बेनिफिट लेना चाहते हैं। अभी भी उनकी सिचुएशन यही है कि मैं EWS में ही एप्लीकेबल अप्लाई करना चाहता हूं, तो उनको EWS का सर्टिफिकेट नया लगाना पड़ेगा जी। उनको EWS का सर्टिफिकेट नया लगाना पड़ेगा, ये दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है वैलिड फॉर द ईयर 2023-24, यानी कि 2023 अभी से शुरू हुआ है और 2023 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से यहां पे क्या है, 1 अप्रैल का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। या एक बात सीधी सीधी नोट कर लीजिए, आपके सर्टिफिकेट पर ये वैलिड फॉर द ईयर 2023-24 लिखा हो, वैलिड फॉर द ईयर 2023-24। यदि आपने इसी साल में मार्च में बनवाया होगा तो वो सर्टिफिकेट आपका 31 मार्च तक वैलिड होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि आपने अप्रैल में नया बनवा लिया होगा, अब इस फॉर्म में भी आपको ये वाला जिसके अंदर 2023-24 लिखा हो वो अपलोड करना है। यानी कि यदि आपने नया नहीं बनवाया है, आप EWS का ही बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको नया बनवाना पड़ेगा और नया आपको डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये मामला है आपका। तो इन लोगों को फॉर्म है भाई, वो दोबारा से भरना ही पड़ेगा। अब इन्होंने ये स्पेशल नोटिस क्यों डाला है, जब जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसमें जो EWS का फॉर्मेट का जो जिक्र किया था वहां पे इन्होंने 2022-23 लिख दिया था, 2022-23 लिख दिया था। जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें हर चीज के फॉर्मेट होते हैं कि इस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, तो वहां पे इन्होंने 2022-23 लिख दिया था। तो युवाओं को लगा कि भाई 22-23 वाला हमारे पास ही है, हमने इसी के बेस पे फॉर्म भर रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब अपडेट कर दिया है, 2023-24 का आपको अपलोड करना पड़ेगा, सबमिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मामला था आप सभी के लिए, इनको फॉर्म भरना या अपडेट करना जरूरी हो गया है। यदि आप KTDT ऐप पर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी से तैयारी करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। 13,500 वैकेंसी है, आपको सिर्फ एक चाहिए। यदि आप ये पोस्ट हासिल करना चाहते हैं और उसमें KTDT टीम का सहयोग लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे आपको एक नौकरी दिलाने में KTDT टीम सहायता कर सकती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।